देश में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। जहरीली हवा के साथ अब लोगों को बढ़ती सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे के साथ कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में इस ठंड के सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पारे में और भी गिरावट हो सकती है। ऐसे में आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और गर्म कपड़ों के साथ पीने में गर्म पानी का भी प्रयोग करें, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह है कि बदलते मौसम में बीमारियों का संकट भी तेजी से बढ़ सकता है। छोटे बच्चों को इस ठंड से बचाएं ताकि बीमारियां आपके घर तक न पहुंचे। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में तेज धूप के बावजूद हवाओं की वजह से पूरे दिन ठिठुरन रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। शनिवार को आसमान साफ रहेगा, हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। 19 और 20 दिसंबर को ये महज 5 डिग्री रह सकता है। 21 दिसंबर को ये 6 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 22 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिल्ली पर दिखाई देगा और उसकी वजह से 23 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान बढ़कर वापस 9 डिग्री पर पहुंच सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान इस दौरान भी 20 से 23 डिग्री तक ही बना रहेगा। 22 दिसंबर के बाद फिर से आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वही दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले एक महीने में शुक्रवार का दिन सबसे ठंडा महसूस किया गया। शुक्रवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार को धूप में तेजी नहीं थी और गलन बहुत अधिक थी। ऐसे में धूप भी ना के बराबर ही लग रही थी। ठंड से बचने के लिए लोग घरों से भी कम बाहर निकल रहे हैं। हीटर, ब्लोअर और आग का सहारा लिया जा रहा है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया। IMD के अनुसार 19 दिसंबर से जम्मू कश्मीर का तापमान और गिरेगा। पारा गिरने से अंचल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक कोहरा भी छाया रहेगा, साथ ही शीतलहर चलने के आसार बन रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में शीतलहर का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। IMD ने बताया है कि बर्फीली हवा की वजह से आने वाले दिनों में पूरा उत्तर भारत गंभीर शीतलहर की चपेट में आएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर का आगमन हो चुका है और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी और धीरे धीरे इसकी चपेट में पूर्वी यूपी के जिले भी आते जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोगों को गंभीर शीतलहर का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सर्दी का सितम लोगों को बेहद सताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।